बीते दिनों फादर स्टेनस्वामी की न्यायिक हिरासत में हुई मौत की उचित जांच की मांग के लिए जमशेदपुर के गोलमुरी, मर्सी, लोयला समेत कई चर्च में मौन प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर किए गए इस प्रदर्शन में फादर स्टेनस्वामी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आज यहाँ पर हाथ में कैंडल लिए यहाँ पर खड़े रहने के पीछे की क्या खास वजह है? आज स्टेनस्वामी के लिए न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह वो अपने लिए, हम लोगों के लिए बहुत से काम किए लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। हम उनके लिए आज न्याय दिलाना चाहते हैं कि जो भी काम वो किए हैं उसको हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। और इस मोमबत्ती से ये बताना चाहते हैं कि वो बुझे नहीं है, हमेशा उजाला देते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये अंधकार के खिलाफ हम लोग आज मोमबत्ती पकड़ के एक दिया जला के हम लोगों को और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो भी मानवाधिकार के खिलाफ, मानवाधिकार के लिए उन लोग लड़ाई लड़ते हैं, जो कोई बिना उनके गलतियों के कारण जेलों में बंद हैं उनको जल्दी से रिहा करें, और जो कानून लाया गया है, जो यूएपीए जो कानून है, उनको जल्दी से जल्द उसको सख्त से उसको बंद करें। जो एकता की जो भावना है हमारे देश के लोगों में, उसको तोड़ने का वो काम कर रहे हैं, दमनकारी नीति को अपना रहे हैं, तो उस नापाक इरादों को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। क्योंकि जब खुदा को मंजूर हो रोशनी, जब खुदा को मंजूर हो रोशनी, तो अंधेरों में भी चिराग जलते हैं। हम इसी के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं और बड़ी कड़ी भर्त्सना करते हैं कि फादर को इस तरह से मार डाला गया, और कोई भी व्यक्ति इस तरह से मार डाला ना जाए, इस तरह से अन्याय ना हो किसी पर भी। दैट पीपल हु आर वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल, द आदिवासीज, द ट्राइबल्स, लाइक स्टेनस्वामी, देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर स्टिल केप्ट इन द जेल, सो दे शुड गेट जस्टिस एंड द पीपल शुड बी हेल्प्ड। That's the message that we would like to present by being together, showing our honor and tribute to Father Stanswamy who fought for the rights of the poor and the downtrodden. जो सरकार है, जो आज हमारे फादर जो बेबाक होकर जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ बोलते रहे, दलित आदिवासी पिछड़ा के विकास के लिए, उनको जागरूक करने के लिए बेबाक अपनी बात रखते रहे, वैसे फादर स्टेनस्वामी जो 84 वर्ष के थे और उनकी संस्थानिक हत्या कर दी जाती है, उनके विरोध में पूरे समाज आज एकजुट है। तमाम एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपनी व्यापक एकता का प्रदर्शन दिखाते हुए आज यहां पर ही जुटे हुए हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।